मैं इसरामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आशाराम बापू के संसंग आश्रम में एक 13 साल की नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई है। आपको बता दें कि आश्रम में एक खड़ी गाड़ी में ये लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला गोंडा नगर कोतवाली का बताया जा रहा है। 5 अप्रैल 2022 को मृतक लड़की के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की सूचना दी थी और 7 अप्रैल को नामजद तहरीर दिया गया था और पुलिस ने मृतक लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल में ही खुलासा होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला, ये जाँच में ही खुलासा होगा। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कोतवाली नगर जनपद गोड़ा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है।